हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और मैंने आपसे पहले कहा था कि जैसे ही शेड्यूल आएगा इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्ज़ामिनेशन का मैं बताऊंगा। तो मैं अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर का बता दे रहा हूं, ठीक है, कि उसमें क्या है बीकॉम फर्स्ट ईयर का शेड्यूल, और सेकेंड ईयर का भी बता दे रहा हूँ। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो अभी इन्होंने शेड्यूल जारी किया है उसके हिसाब से 6 मार्च को और बुधवार के दिन बिजनेस कम्युनिकेशन, 7 मार्च को फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 8 को बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, 9 तारीख को है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, फिर 11 तारीख को मंडे को बिजनेस इकोनॉमिक्स, और 12 तारीख को जो है इंडियन इकोनॉमी का पेपर है। इसमें दो पेपर जो हैं आपके बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये दोनों ऑप्शनल होंगे, ठीक है। और टाइमिंग जो रखी गई है वो 9 बजे से 12 बजे तक की रखी गई है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे बात कर लीजिएगा। और एक और बात है कि इसमें जो है कंपलसरी पेपर होता है और वो आपको 3 साल में एक बार निकालना पड़ता है, तो उसकी 17 तारीख डेट रखी गई है। वो इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर होता है, ठीक है, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक के बीच में। अब बीकॉम सेकेंड ईयर वाले ज़रा संभल लें। बीकॉम सेकेंड ईयर में जो इन्होंने शेड्यूल दिया है वो 2 से 5 का दिया है, 2 बजे से 5 बजे तक का, और डेट वही है डेट जो अभी मैंने आपको बताया। जैसे 6 तारीख को बिजनेस फाइनेंस है और 7 तारीख को कास्ट अकाउंटिंग है, फिर 8 तारीख को आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और 9 तारीख को आपका इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट है, और उसके बाद 11 तारीख को आपका जो है वो मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम है, और लास्ट में 12 तारीख को जो है आपका है बिजनेस इन्वायरमेंट। और इसमें 2 ऑप्शनल हैं आपके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट। ये पेपर ऑप्शनल होगा जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आज सूचित किया गया है। ये सूचना जो निकली है इसको हम अपने ब्लॉग पे भी, अखिलेश द्विवेदी एजुकेशनल पे भी डाल देंगे। इसके अलावा भी आपको कोई समस्या हो तो आप हमको बताते रहिएगा। धन्यवाद।